तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में, कल की स्मैकडाउन के बारे में, और भी यहां पर काफ़ी कुछ होने वाला है वीडियो के अंदर। दिन भर से यहां पर वीडियो आई नहीं थी, और आपको पता ही यहां पर जब यहां पर दिन में वीडियो आती नहीं है तो थोड़ा लेट यहां पर वीडियो हो जाती है। तो वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में, और गोल्डबर्ग का हमने अभी रिसेंटली मैच देखा जो कि क्राउन जूल के अंदर हुआ था बॉबी लेस्ली के साथ, और वो कितना ज़्यादा बढ़िया मैच गया था। और उस मैच को देख के तो ऐसा लगा कि गोल्डबर्ग अभी आने वाले टाइम में कितने सारे और बढ़िया मैचेस दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे तो वो गोल्डबर्ग का जो मैच गया था कितना ज़्यादा बढ़िया लगा था, लेकिन आज यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आई और बताया जा रहा है कि गोल्डबर्ग का उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यानी कि WWE के अंदर उनका बस एक ही मैच बचा है, यानी कि जो अभी उनकी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ उनका, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका बस एक ही मैच बचा है WWE के अंदर। यानी कि अब वो एक ही मैच उनका रह गया, वो मैच WWE कभी भी करा सकती है, अगली साल करा सकती है, रसलमेनिया के अंदर करा सकती है, कभी भी यहाँ पर उनका मैच हो सकता है, लेकिन बस एक ही मैच उनका रह गया उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब यहाँ पर मुझे वैसे ज़्यादा कोई मतलब इसको लेके कोई मतलब टेंशन वाली बात लगती नहीं है, क्योंकि गोल्डबर्ग यहाँ पर काफ़ी बड़ा नाम है, हॉल ऑफ फेमर हैं, काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं WWE के। तो मुझे लग रहा है WWE उनको बिल्कुल एक और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी, यहाँ पर वो रिसाइन कर सकते हैं WWE के साथ, क्योंकि हम जानते हैं WWE उनको सऊदी के शोज़ में भी लेके जाती हैं, उनको वहाँ पर पैसा मिलता है उससे बहुत ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात लगते नहीं है, लेकिन अभी गोल्डबर्ग का बस एक ही मैच बचा है, और आने वाले टाइम में गोल्डबर्ग मुझे लगता है कि रिसाइन करेंगे WWE के साथ, और जब वो रिसाइन करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि अगर गोल्डबर्ग का एक मैच रह गया WWE के अंदर तो वो मैच आप उनका किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहोगे, इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट की अगर बात करें तो आज यहाँ पर ब्रे वायट, हम जानते हैं ब्रे वायट को कितने सारे लोग मिस करते हैं, उनके फैंस यहाँ पर मिस कर रहे हैं जब से यहाँ पर वो WWE से गए हैं। बहुत सारे भाई बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर उनको मिस कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो उनका क्लॉज है वो कब ख़त्म होगा, उसके बाद ब्रे वायट हमें दूसरी कंपनी के अंदर दिखाई देंगे, मतलब कहीं तो अपना रिटर्न करेंगे, हमें ब्रे वायट को देखना है। तो अभी किसी फैन ने यहाँ पर ब्रे वायट को लेके एक ट्वीट किया जहाँ पर वो ऐसा कुछ बता रहा था कि ब्रे वायट यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर या फिर उससे पहले अपना रिटर्न कर रहे हैं, और वो चैलेंज कर रहे हैं रोमन रीन्स को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और इनका मैच हो सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और इसी चीज़ का यहाँ पर ब्रे वायट ने भी रिप्लाई दिया, जहाँ पर वो ऐसा कुछ बता रहे थे कि भाई यहाँ पर और कोई नहीं है क्या, या फिर कोई और यहाँ पर बचा नहीं है क्या, क्योंकि ब्रे वायट ने यहाँ पर ये वाली GIF को पोस्ट करा था। और मैं यहाँ पर बताऊँ तो मुझे यहाँ पर देख के अगर हम सोचें इसको तो ऐसा लग रहा है कि ब्रे वायट यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई और यहाँ पर बचा नहीं है। तो ये बात तो हम जानते हैं कि रोमन रीन्स के लिए कोई भी सुपरस्टार बचा नहीं है, क्योंकि सारे वो सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं, मतलब उनके जो अपोनेंट की लिस्ट है वो ख़त्म होती जा रही है, कितने सारे सुपरस्टार्स को उन्होंने हरा दिया है। तो यहाँ पर जो फीन्ड हैं हम जानते हैं वो यूनिवर्सल चैंपियन थे, उन्हीं से यहाँ पर रोमन रीन्स ने टाइटल लिया है। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर ये फैन बता रहा है कि ब्रे वायट को आना चाहिए और उनसे टाइटल लेना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता नहीं है कि ब्रे वायट आने वाले हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि ब्रे वायट ने कल ही यहाँ पर एक ट्वीट किया था जहाँ पर वो बता रहे थे कि 2 दिन और बचे हैं, उसके बाद जो उनका क्लॉज है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आराम से यहाँ पर वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर जा सकते हैं। तो ब्रे वायट ने पहले यहाँ पर ये बता दिया कि 2 दिन रह गए उनके क्लॉज के अंदर, उसके बाद वो दूसरी कंपनी के अंदर मतलब किसी भी कंपनी के अंदर जाने वाले हैं, और उसके बाद वो WWE से फ्री हो जाएंगे। तो मुझे तो यहाँ पर लगता नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो AEW के अंदर ही जाने वाले हैं, और जो डार्क ऑर्डर टीम है उसी के यहाँ पर वो लीडर बनेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। इसी तरीके की यहाँ पर कुछ मतलब साइन दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्पेकुलेशन, कुछ रूमर्स वगैरह चल रहे हैं। आपको क्या लगता है ब्रे वायट के बारे में? और एक ड्रीम मैच था हमेशा से WWE के अंदर फिंड वर्सेस रोमन रीन्स का, जो कि हम नहीं देख पाए, और फ्यूचर के अंदर अगर ब्रे वायट कभी आते हैं कंपनी के अंदर फिंड वाले गिमिक के साथ ही, तो फिर हमें ये वाला मैच देखने को मिलेगा। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पर WWE ने उनके जो UK के जो लाइव इवेंट्स होने वाले हैं, लाइव टूर होने वाला है, उसके लिए भाई बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। और इन मैचेस को यहाँ पर देख के मुझे लग रहा है कि ये तो भाई किसी पेपरव्यू लेवल के मैचेस या फिर रॉ स्मैकडाउन के अंदर इन मैचेस को कराना चाहिए, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस हैं। हमें पूरा आप यहां पर कार्ड देख सकते हो, यहां पर जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच है, एक फेटल 4 भी यहां पर WWE मैच कराने वाली है। इसके अलावा यहां पर जो एक और मैच होने वाला है इस लाइव इवेंट के अंदर, वो यहां पर सिजारो वैसे वॉल्टर का मैच होने वाला है, और ये तो मैं मानूंगा भाई किसी भी यहाँ पर टेक ओवर का मैच हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर सिजारो के मैचेस की यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, कितने सारे वो बढ़िया बढ़िया मैचेस दे देते हैं, और कितना मतलब उनका करियर तक कमाल का गया। मुझे याद है यहाँ पर एक टाइम पर
सिजारो यहाँ पर एनएक्सटी यूके के यहाँ पर एक बार टेक ओवर में गए थे, जहाँ पर उनका मैच हुआ था इलिया ड्रैगनोव के साथ में। वो मैच भाई कितना ज़्यादा बढ़िया गया था। और वॉल्टर वर्सेस सिजारो, ये तो अपने आप में एक ड्रीम मैच है, क्या मस्त है, यहाँ पर ये मैच जा सकता है। बस यही बेकार बात है कि यहाँ पर लाइव इवेंट के अंदर ये मैच होने वाला है, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यहाँ पर अगर लाइव इवेंट के अंदर ये मैच अच्छा गया, बढ़िया गया, तो WWE इसको मेन रोस्टर के ऊपर भी कराएगी। क्योंकि मुझे याद है अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक बार WWE ने लाइव इवेंट के अंदर मैच कराया था बिगी वैसे बॉबी लेस्ली वैसे रोमन रिंग्स का, और उसके बाद वही वाला सेम मैच हमने देखा था रॉ के ऊपर WWE ने कराया था। तो लाइव इवेंट से भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, WWE ध्यान देती है किन मैचेस को कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, चेयर मिल रहा है, उसके बाद WWE यहाँ पर मेन ब्रांड के ऊपर भी उन मैचेस को कराती है। तो आपका क्या कहना है इन सारे मैचेस के बारे में, क्या आप इन मैचेस को देखना चाहोगे मेन ब्रांड के ऊपर, इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैचेस से यहाँ पर बात चली तो फिन बैलर ने भी यहाँ पर, क्योंकि वो रॉ के ऊपर ड्राफ्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे सुपरस्टार के साथ अपने मैचेस यहाँ पर डाले हैं, कुछ तो ड्रीम मैचेस हैं, जो कि शायद यहाँ पर फिन बैलर भी बता रहे हैं कि अब यहाँ पर वो रॉ के ऊपर आ गए हैं, तो इन सारे मैचेस को यहाँ पर वो दे सकते हैं, जहाँ पर एज के साथ उनका मैच दिखाया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर जो डेमियन प्रीस्ट हैं, कीथ ली हैं, सेथ रॉलिंग्स हैं, बिगी हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे सुपरस्टार के साथ फिन बैलर अपने मैचेस बता रहे हैं। इनमें से भी आप मुझे बताना कि यहाँ पर किसके साथ, यहाँ पर किस सुपरस्टार के साथ आप फिन बैलर का मैच देखना चाहोगे। मैं तो भाई बहुत सारे हैं, जैसे कि रे मिस्टीरियो के साथ, एज के साथ, कीथ ली के साथ भी एक बढ़िया मैच हो सकता है। आप मुझे बताना फिन बैलर का आप रॉ के ऊपर किस सुपरस्टार के साथ मैच देखना चाहोगे। कल की स्मैकडाउन के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पर WWE ने कल की स्मैकडाउन के लिए कुछ भी अनाउंस किया नहीं है, लेकिन WWE बता रही है यहाँ पर न्यू एरा आ चुका है, न्यू सुपरस्टार हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा था, तो वही यहाँ पर है। बाकी उम्मीद है कि WWE यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज़ को लेकर शायद यहाँ पर कुछ क्वालिफाइंग मैचेस कराएं, या फिर रोमन रेंज का भी हमें न्यू अपोनेंट यहाँ पर दिखाई दे कि यहाँ पर रोमन रेंज का अगला चैलेंजर कौन होने वाला है। तो कल की स्मैकडाउन का जो शो होने वाला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और देखते हैं वहाँ पर WWE हमारे लिए क्या कुछ माल मसाला तैयार करके बैठी है। और कल यहाँ पर रैम्पेज भी आने वाला है, रैम्पेज का भी आप यहाँ पर पूरा प्रीव्यू देख सकते हो, वहाँ पर भी हमें डैनियल ब्रायन और एडी किंगस्टन का मैच देखने को मिलेगा, जो कि अभी टूर्नामेंट चल रहा है उसका मैच। हालांकि रैम्पेज पहले से टेप हो चुका है, सारे रिजल्ट हमें पता चल चुके हैं, लेकिन वो शो हो जाएगा उसके बाद ही मैं देखूंगा, फिर ही हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। कमेंट करके बताना कि आपका क्या कहना है यहाँ पर फिन बैलर के मैचेस के बारे में, या फिर इन लाइव इवेंट्स के मैचेस के बारे में, आपको बताया मैंने गोल्डबर्ग के बारे में, इन सारी अपडेट्स के बारे में, जो भी आपका कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज पे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।